भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक पी के दास ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए हैं, ये कहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। मध्य प्रदेश में साल होने वाले विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ बनाने के लिए निर्वाचन आयोग काले धन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाएगा। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर इस बार कड़ी निगरानी रहेगी, ये जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक पी के दास ने आज यहाँ निर्वाचन व्यय पर निगरानी संबंधी एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए नए रचनात्मक प्रयोगों के जरिए मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अन्य राज्य को अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश का अनुसरण करना चाहिए। चिरंजीवी आज नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस अधिकार समिति का गठन किया है। समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, वित्त योजना, नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, मुख्य अभियंता बोधी और विश्व बैंक परियोजना के परियोजना संचालक सदस्य नामांकित किए गए हैं। संभाग आयुक्त रीवा प्रदीप खरे ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और विभागीय कार्यों का संपादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सिंगरौली जिले के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीएस ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई सिंगरौली जिले में विभिन्न विभागीय योजनाओं का समय सीमा में पालन नहीं होने और समय पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ न मिल पाने से कलेक्टर सिंगरौली के प्रस्ताव पर की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के विदेश जाकर उच्च अध्ययन करने में सहयोग के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के 24 विद्यार्थी सरकारी खर्च पर विदेश भेजे गए हैं। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर राज्य सरकार ने 4,50,00,000 की राशि खर्च की है। विदेश भेजे गए विद्यार्थियों में से 18 ने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक ने इस वर्ष पात्र विद्यार्थियों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर चयन की कार्रवाई पूरी किए जाने के निर्देश दिए हैं। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज़। नमस्कार।